टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज माय डेस्टिनी. आज का मेरा विषय है कि मेरी मंजिल क्या है. मेनी पीपल से व्हाटएवर वी डू इन लाइफ इट्स ऑलरेडी प्रीऑर्डेन्ड. बहुत से लोग कहते हैं कि मैं जीवन में जो कुछ भी करता हूं ये तो पहले से ही निश्चित किया गया ऐसा काम है, ये पहले से तय है. व्हाटएवर हैपेंस टू मी इज माय कर्मा. और जो कुछ भी मेरे साथ में होता है ये तो मेरा कर्म है. और इन उर्दू जैसे माय तकदीर. और उर्दू में जैसे कहते हैं कि ये तो बस मेरी तकदीर है इसलिए ये ऐसा हो गया है. आई डोंट हैव अ चॉइस इन माय लाइफ. अब मेरे जीवन में मेरा खुद का कोई चुनाव तो नहीं रहा है. व्हाटएवर गॉड हैज Plan for my life, I have to do it. जो भी परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए योजना बनाकर रखी है मुझे बस वैसे ही करते चले जाना है. So I ask them, तो मैं उनसे पूछता हूँ, If you do the wrong thing, is that also the plan of God? अगर आप गलत काम करते हैं तो क्या ये भी परमेश्वर की इच्छा या योजना है? They say, yeah, everything. You can't do anything without the will of God. और वो कहते हैं हाँ, परमेश्वर की इच्छा के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं. See, this sounds very spiritual. ये तो बहुत ही आत्मिक सुनाई देता है. Oh, everything God, it's all God's will. Oh, देखो सब कुछ जो है वो तो बस परमेश्वर की ही इच्छा है. And they hide behind that. और वो उसके पीछे छिप जाते हैं. So whatever I'm doing, it's because of His will I'm doing. So I'm not to blame. और इसलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तो उसकी इच्छा के अनुसार है और इसलिए इस बात के लिए मुझ पर कोई दोष नहीं लगना चाहिए. And it becomes a very spiritual say, Oh, God is in control of everything. और ये तो इस तरह से बहुत ही आत्मिक हो जाना है कि परमेश्वर सारी बातों के ऊपर में नियंत्रण करने वाला है. Nothing happens out of His will. और उसकी इच्छा के बाहर तो कभी कुछ भी नहीं होता है. So it sounds very spiritual. ये तो बहुत ही आत्मिक सुनाई देता तो है. But I will tell you some things today. लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ. Which will change your perspective. जो आपके दृष्टिकोण को ही बदल देगा. People have these questions. लोगों के मन में ये सवाल तो होता ही है. What is the purpose of my life? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? Why am I on this earth? मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ? What am I supposed to do in my life? मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? What do I achieve in my life? मैं अपने जीवन में क्या हासिल करूंगा? Some people say, okay, you get a big degree, have a house, have cars, have all the money, you have achieved something. Is that what your achievement is? कुछ लोग कहते हैं अच्छी बड़ी डिग्री लो, उसके बाद में अच्छी नौकरी करो, बहुत पैसा कमाओ, बड़ी कार लो, बड़ा बंगला लो और इस तरह से अपने जीवन को जियो. क्या यही सब कुछ होता है? I will give you two people. मैं आपको दो लोगों के बारे में बताऊं. A man has studied, got a high degree, got everything, got all the money and the properties. और एक आदमी ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, बहुत अच्छी डिग्री ली और उसने बहुत अच्छी नौकरी ली, बहुत सी प्रॉपर्टी बना ली. Another man doesn't have that much of property, he is simple man. और दूसरा व्यक्ति जिसके पास में शायद इतनी बड़ी प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो बहुत ही सरल ऐसा व्यक्ति है. But he walks in righteousness. लेकिन वो धार्मिकता में चलता है. He has God's blessing. उसके ऊपर परमेश्वर की आशीष है. He has found the will of God. और उसने परमेश्वर की इच्छा को ढूंढ निकाला है. And he is walking in the will of God. और परमेश्वर की इच्छा में वो काम कर रहा है. So who has found the destiny in his life? अब बताइए किसने अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में मंजिल पाई है? You will say the other person who was simple man, he found the destiny. आप यही कहेंगे कि दूसरा जो साधारण व्यक्ति है उसने अपनी मंजिल पाई है. Because he found the will of God and he is fulfilling the will of God. उसने परमेश्वर की इच्छा को पाया है और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है इसलिए. In my destiny, do I have a choice? क्या मेरी मंजिल में, क्या मेरे पास में मेरा खुद का अपना चुनाव है? क्या मैं खुद को चुन सकता हूँ? और एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, द गुड एंड द बैड इज ऑलरेडी रिटन डाउन, इज दैट हाउ इट इज? या फिर जो कुछ भी मैं अच्छा या बुरा कर रहा हूँ ये पहले से लिखा हुआ है और बस वो ऐसे ही हो रहा है? क्या ऐसा? इट्स नॉट लाइक दैट. नहीं, ऐसा नहीं है. आई विल जस्ट टेक यू थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड एंड सर्टेन थिंग्स विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आवर डेस्टिनी. मैं आपको परमेश्वर के वचन में से लेकर जाना चाहता हूँ और इस तरह से हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी मंजिल को ढूंढ निकाल सकते हैं. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट बिफोर एनी of us was born in this world, we were already in the heart of God. ये बात जानना तो बहुत ही दिलचस्प है कि हम में से कोई भी इस संसार में जन्म लेने के पहले हम सब लोग तो परमेश्वर के दिल में थे. We are born after 9 months of pregnancy, normally. और सामान्य रूप में देखा जाए तो 9 महीने की गर्भधारणा के बाद में हमारा जन्म हुआ. Then we become
ह्यूमन बीइंग आई मीन ऑन द अर्थ और इस तरह से हम इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जन्मे टिल देन वी आर इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द वूम ऑफ द मदर और उसके पहले तो हम माँ के गर्भ में यानी गुप्त स्थान पे रहते हैं द बाइबल सेज लेकिन बाइबल कहती है आई विल रीड दैट पैसेज फ्रॉम Psalms 139 and verse 13. भजन संहिता 139 वचन 13 से हम यहाँ पर इस वचन को पढ़ते हैं. The psalmist says, "You made all the delicate inner parts of my body and knit me in my mother's womb." This is a new living translation. इसका एक अनुवाद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, यानी तूने मेरे हर एक भागों को बनाया, हर एक अंगों को बनाया. और तूने मुझे इस तरह से माँ के गर्भ में रचा। And verse 15 says, "You watched me as I was being formed in utter seclusion, as I was woven together in the darkness of the womb." जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। यानी जब मैं बनाया गया, उस समय तूने मुझे पूरी तरह से बनाए जाते हुए देखा। And verse 16 says, "You saw me before I was born. Every day of my life was recorded in your book. Every moment was laid out before a single day had passed." वचन 16 कहता है, तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बने जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे. इस तरह से ये कहता है, बिफोर इवन वन डे केम टू पास इन माय लाइफ इट वाज ऑलरेडी रिटन डाउन बिफोर गॉड. मेरे जीवन में एक दिन या पहला दिन भी पूरा होने के पहले ही वो परमेश्वर की किताब में लिखा गया. And what was written, or the bad things were written, or the good things? और वहाँ पर क्या लिखा गया? क्या बुरी बातें लिखी गई हैं, या फिर अच्छी बातें लिखी गई हैं? I will come to that. मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा. And the next verse 17 says, in Psalm 139 verse 17. भजन संहिता 139 वचन 17 ये कहता है, How precious are your thoughts about me? They cannot be numbered. वचन 17, मेरे लिए है परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ And कैसा बड़ा amazing. है. Amazing, God had such thoughts about us even while we were being formed in the mother's womb. ये तो बहुत ही अद्भुत है कि जब हम माता के गर्भ में रचे जाते हैं, उस समय से परमेश्वर के विचार जो हमारे लिए हैं, वो तो सच में बहुत ही अद्भुत हैं. So we are not an accident on this earth. We didn't. हम इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसे अकस्मात नहीं आए हैं. We didn't come by chance. हम यहाँ पर ऐसे अकस्मात या संजोग से नहीं आए हैं. Before we were born, हमारे जन्म के पहले ही, we were in the heart of God. हम तो परमेश्वर के हृदय में थे. God knew us before even we were formed in the womb. हम तो उस गर्भ में रचे जाने के पहले से ही परमेश्वर हमें अच्छे से जानता था. And the word of God says, और वचन कहता है, All our days that were fashioned for us were written down before Him even before one of them came to pass. और एक भी दिन पूरा होने के पहले हमारे जो सारे दिन हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के सामने लिखे गए हैं और वो कैसे होंगे ये सब कुछ लिखा गया है. And you know that these plans are good plans, not bad plans. और आप जानते हैं ये सारी जो योजनाएं हैं, ये तो अच्छी योजनाएं हैं, ये बुरी योजनाएं नहीं हैं. Which father will have bad plans for his son or daughter? कौन सा पिता अपने बेटे या अपनी बेटी के लिए किसी तरह से कोई बुरी योजनाएं रखेगा? Every father has good plans for his son and daughter. हर एक पिता के पास अपने बेटे और बेटी के लिए अच्छी योजनाएं होती हैं. Because he loves them. क्योंकि वो उनसे प्यार करता है. Because they came from him. क्योंकि वो उसी में से आए हैं. So he loves them because they are part of him. वो उसके भाग हैं, उसके अंश हैं, इसलिए वो उनसे बहुत प्यार करता है. And he will do whatever he can for their good. और उनकी भलाई के लिए वो जो कुछ भी कर सकता है, वो करता है. And whatever he has belongs to them. और जो कुछ भी उसका है, वो सब कुछ उसके बच्चों का है. And when he makes a will, he'll put them. This thing goes to my daughter, my son. He will give them all that he has. और जब वो अपनी वसीयत बनाता है तो वो कहता है कि मेरे बेटे को मैं ये दूंगा, मेरी बेटी को मैं वो दूंगा, उनके नाम पर वो लिखता है. When we began in the heart of God, जब हम परमेश्वर के दिल में शुरू हुए हैं, God also has the father's heart. परमेश्वर के पास में भी ऐसा ही पिता का दिल है. He wants to give the best for his children. और वो अपनी संतानों को सबसे उत्तम देना चाहता है. And the plans that he has for us were good plans. और उसकी योजनाएं जो हमारे लिए हैं, वो तो सच में बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं. The Bible says in Jeremiah 29 and verse 11. यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 11 में बाइबल इस तरह से कहती है, For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for good and not for disaster. Plans to give you a future and a hope. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. यहाँ पर ये कहता है, मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं लेकिन कुशल की ही है. This what God spoke to about the Israelites. परमेश्वर ने ये सब कुछ इसराइलियों के लिए कहा था. When they were in captivity, जबकि वो वहाँ पर बंधवाई में पड़े थे. God said, I will bring you back to your place. परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी जगह पर तुम्हें वापस लेकर आऊंगा. I have good plans for you. मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं हैं. Not to destroy you. तुम्हें नाश करने के लिए नहीं है. But to bless you. लेकिन तुम्हें आशीष देने के लिए. To give you a future and a hope. कि तुम्हारे पास में मैं तुम्हें एक अच्छा भविष्य दूं, तुम्हें एक अच्छी आशा दूं.
टू सेम थॉट्स ही हैज टुवर्ड्स अस और हमारे लिए उसके पास बिल्कुल ऐसे ही विचार हैं। इफ यू हैव गिवन योर लाइफ इनटू द हैंड्स ऑफ गॉड अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है एंड इफ यू हैव कम इनटू द अलाइनमेंट ऑफ हिज विल और अगर आप उसकी इच्छा के जोड़ में आ चुके हैं देन ही हैज गुड प्लान्स लेड आउट फॉर यू तो उसने आपके लिए बहुत ही अच्छी योजनाएं रखी हुई हैं। योर लाइफ हैज बीन रिटन डाउन बिफोर हिम आपका जीवन तो उसके सामने लिखा हुआ है। इनफैक्ट एवरीवन्स लाइफ हैज बीन रिटन डाउन सच में देखा जाए तो सभी का जीवन परमेश्वर के सामने लिखा हुआ है। एवरी ह्यूमन बीइंग दैट इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड हर एक मनुष्य जो कि इस संसार में जन्मा है देयर इज अ बुक इन हेवन विद योर नेम ऑन इट स्वर्ग में किताब है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ है। Because we read in Psalm 139, in your book all my members were written before even one of them came to pass. और क्योंकि भजन संहिता 139 में हम पढ़ते हैं कि तेरी किताब में मेरे सारे अंग बनाए जाने के पहले से मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इस तरह से यहाँ पर भजनकार कहता है। I have a book in heaven. स्वर्ग में मेरी एक किताब है। And my name is on that book. और मेरा नाम उस किताब पर लिखा है। You have a book, your name is on it. और आपकी भी एक किताब है उस पर आपका नाम लिखा है। And in that book, in that pages. और उस किताब में उन पन्नों में God wonderful destiny for your life is mentioned in those pages. आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर की जो अद्भुत मंजिल है वो वहां पर उन पन्नों में लिखी गई है। The precious thoughts that he had for you is mentioned in that page. आपके बारे में परमेश्वर ने जो अनमोल विचार रखे हैं वो सब वहां पर लिखे हुए हैं। All his blessings he wanted to give you is mentioned in those pages. सारी आशीषें जो वो आपको देना चाहता है वो सारी आशीषें वहां पर उन पन्नों में लिखी गई हैं। The job that you will do, the family, the children and all your life was written down before him. आप जो नौकरी करेंगे आपका परिवार आपके बच्चे आपकी जिंदगी के बारे में सारी बातें वहां पर लिखी हुई हैं। So when a person who believes in this karma and takdir and says, oh, whatever I'm doing is his will. और वो व्यक्ति जो कि इन कर्मों पर और या फिर तकदीर पर विश्वास करता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ये तो बस परमेश्वर की ही इच्छा है। And all he does all the wrong things and says that is also my karma. I'm doing the wrong things. और वो सारे जो गलत काम करता है कहता है कि यही तो मेरी तकदीर है यही मेरे कर्म है कि मैं बस गलत काम करते जाऊँ। When he comes, when he dies and stands before the Almighty God. और जब वो मर जाएगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होगा And he will say, God, I did it all this because it's your will. That's why I did. I could not go against it. और वो कहेगा कि परमेश्वर मैंने जो कुछ भी किया ये तो बस तेरी ही इच्छा है मैं इसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता था। It's all my तकदीर। और ये तो सारी बस मेरी तकदीर ही है परमेश्वर। So what's my mistake? तो यहाँ पर इसमें मेरी क्या गलती है? No, I did whatever you planned, whatever your will, I did. तूने जो कुछ योजना बनाई थी जो तेरी इच्छा थी मैंने वही किया। Then God will say. परमेश्वर उससे कहेगा। I'm just imagining. जरा आप कल्पना कीजिए। He'll call an angel. और वो एक स्वर्गदूत को बुलाएगा। Go and bring his book from the library. जाओ लाइब्रेरी में से इसकी जो किताब है जिसके ऊपर इसका नाम लिखा है वो लेकर आओ। They'll bring the book with your name on it. और वो उस किताब को लेकर आएंगे जिस पर आपका नाम लिखा होगा। God will open that book. और परमेश्वर उस किताब को खोलेगा। Said, in this book. और कहेगा इस किताब में। My thoughts for you were written in this book. मेरे विचार जो तुम्हारे लिए वो इस किताब में लिखे गए हैं। I never planned for you to commit evil and sin. मैंने कभी योजना नहीं बनाई थी कि तुम कुछ बुराई करोगे या फिर तुम किसी तरह से कोई पाप करोगे। I never did anything to so that you will go off to hell. और मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण तुम सीधे नरक में चले जाओगे। I had good plans for you. मैंने तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं रखी थी। But you did whatever you wanted. लेकिन तुम जो कुछ भी चाहते थे तुमने बस वैसे ही किया। And he will tell the angel. और वो स्वर्गदूत से कहेगा। Now read his book. अब इसकी किताब तुम पढ़ो। Let him hear it. और ये इसे सुनने पाए। What I had for him. कि मैंने इसके लिए क्या रखा था। And then he'll ask you, did you live according to that? और फिर वो आपसे पूछेगा क्या तुम इसके अनुसार अपना जीवन जिए हो? That time you will be dumbstruck. You won't have any words to say. और उस समय आप कुछ भी नहीं कह पाओगे आप चुपचाप रहोगे। You were deceived. आप तो धोखा खा चुके हैं। You thought whatever you do is God's will. आपने सोचा था कि आप जो कुछ भी करते हैं ये परमेश्वर की इच्छा है। I will open to chapter in the James chapter 1. मैं यहाँ पर याकूब अध्याय एक में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। We think that even the evil things I do, the bad things I do, even that is ordained by God. Who? That's a lie. और हम ये सोचते हैं कि जो बुरे काम हम करते हैं, जो बुरी या दुष्टता के जो काम करते हैं, वो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, ये तो पूरी तरह से झूठ है। Everything is the will of God. That's not true. सब कुछ परमेश्वर की इच्छा है ये बात सच नहीं There है। is so much of evil in the world. इस संसार में इतनी बुराई है। How can you say the evil is also the will of God? आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो बुराई है ये भी परमेश्वर की इच्छा है? When someone goes and kills somebody, young person, is that the will of God? अगर कोई जाकर किसी नौजवान की हत्या कर देता है तो क्या ये भी परमेश्वर की इच्छा है? When someone goes and spoils a young girl, is it the will of God? अगर कोई जाकर किसी नौजवान लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर देता है क्या ये भी परमेश्वर की इच्छा है? When there's murders and rapes and killings and stealing, is that the will of God? जिस तरह से हत्या बलात्कार और चोरी और ये सब कुछ गलत काम जो हो रहा है क्या ये भी परमेश्वर की इच्छा ही है?
Let us not deceive ourselves. नहीं, आइए हम अपने आप को धोखा न दें. That is not the destiny God has for us. परमेश्वर ने हमारे लिए ये मंजिल नहीं रखी है. See, it says in the book of James chapter 1. देखिए याकूब की पत्री अध्याय 1 में ये कहता है. And verse 13. वचन 13 में. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है. It says in verse 14, each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. वचन 14 कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. ये स्पष्ट हमें बता देता है. And when that lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. वचन 15, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है. Number 16 says, do not be deceived, my brethren. और वचन 16, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ. And it goes on to say that every perfect and good gift comes from God the Father. और आगे कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से पिता परमेश्वर की ओर से आता है. ये हमें यहाँ पर बताता है. And God is the God of light. There is no shadow of turning with God. और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है. So when we do the wrong things, you cannot point a finger at God and say it's because of your will, my takdir, I did all this. No. और जब हम कुछ गलती करते हैं तो हम परमेश्वर पर उंगली उठाकर ये नहीं कह सकते कि प्रभु ये तो तेरी इच्छा थी और ये तो मेरी तकदीर थी, इसीलिए मैंने ये सारा गलत काम किया है. That was not your destiny. ये आपकी मंजिल नहीं है. You chose the wrong thing. आपने खुद गलत बातों का चुनाव किया. I have chosen to commit sin. आपने खुद चुनाव किया कि आप इस तरह से पाप करते चले जाएंगे. And I cannot blame God for it. और मैं इसके लिए परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगा सकता हूँ. We just now read. अभी हमने इसे पढ़ा है. God cannot be tempted with evil, nor does he tempt any man with evil. बुराई से परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता और ना ही वो किसी की परीक्षा करता है. We have to understand. हमें इसे समझना होगा. God is righteous, God is holy. परमेश्वर तो धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है. And what he has written for us in our book is good things and righteous things and holy things. और उसने हमारी किताब में जो कुछ भी लिखा है वो तो अच्छी चीजें हैं, वो तो धार्मिकता की चीजें हैं और वो तो पवित्र चीजें हैं. ऐसी बातों को उसने हमारे लिए लिखा है. But we have taken the wrong path. लेकिन हमने उसमें से गलत मार्ग ले लिया है. We have chosen to do the wrong things. हमने गलत बातों का चुनाव किया है. God has given us a free choice. परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है. He gives all the good inputs for us to make a right choice, but the choice is still ours. वो हमें अच्छी बातें देना चाहता है, लेकिन चुनाव तो हमारा है. हमें यहाँ पर सही बातों को और अच्छी बातों को चुनते चले जाना है. God's destiny is going in one direction. परमेश्वर की मंजिल तो एक दिशा में जाती है. The destiny for our lives is going in the right direction. और हमारे जीवन के लिए जो परमेश्वर की मंजिल है वो सही दिशा में आगे बढ़ती है. Good things, great things, blessings, favor, everything is going in that direction. सारी चीजें, अच्छी चीजें, आशीषें, कृपा और सारी जो अच्छी बातें हैं वो इस दिशा में बढ़ती हैं. But we have chosen to go another way. लेकिन हमने खुद चुनाव कर लिया है कि हम दूसरे मार्ग पर चले जाएंगे. So we are going in the opposite direction what God has planned for us. और परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना रखी है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में आप जाते हैं. See, we have only one life. हमारे पास केवल एक ही जीवन है. We are not going to come back and try once again to get onto that path. हम फिर से वापस पृथ्वी पर आकर उसे फिर से जीने की कोशिश नहीं कर सकते हैं. We cannot come again and again have many times to try. We don't have that chance. हमारे पास में ऐसा मौका नहीं है कि हम बस बार 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 आते जाएं और इसे करने की कोशिश करते चले जाएं. Hebrews chapter 9 and verse 27. इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 इस तरह से कहता है. It is appointed unto man once to die, and after this comes judgment. और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यहाँ पर ये इस तरह से कहता है. It's so important for us to understand this. Only one life we have. हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हमारे पास केवल एक ही जिंदगी है. When we die and leave this world, और जब हम मरकर इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे, we're not going to come back. हम वापस आने वाले नहीं हैं. The next thing is the judgment. और फिर उसके बाद में जो अगली बात होगी वो तो न्याय है. Now this judgment, there are two types. One is for the Christians who the work that they have done, they'll be judged. That's different. ये जो न्याय है यानी दो तरफा है. एक तो विश्वासी जिन्होंने अपना काम किया है उसके अनुसार उनका न्याय किया जाएगा, ये अलग है. But there is a terrible day of judgment for the people who have not found the destiny of God in their life, who have not walked in that destiny. लेकिन उन लोगों के लिए ये भयानक दिन होगा जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मंजिल को नहीं जाना है, अपने जीवन में अपनी मर्जी से काम किए हैं, उनके लिए ये भयानक न्याय का दिन होगा. That is called the Great White Throne Judgment. और उसे श्वेत महासिंहासन का न्याय कहते हैं. God will sit on his throne.
परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। Righteous judge of the whole universe. पूरे संसार का जो सबसे बड़ा धर्मी न्यायी है वो अपने सिंहासन पर विराजमान होगा। And it says in the book of Revelation chapter 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में इस तरह से कहा गया है, The people who dead and who did not know Christ were standing before him. जो लोग मर गए थे जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना वो उसके न्यायासन के सामने खड़े होंगे। It says the books were opened. और यहाँ पर कहा गया है कि किताबें खोली जाएगी। Your book will be opened. आपकी किताब खोली जाएगी। What you have been doing on this life. आप इस जीवन में क्या करते आए हैं ये सारी बातें प्रकट हो जाएगी। That time you will be judged for what you have done. और उस समय आपने जो कुछ भी किया है उसके अनुसार आपका न्याय होगा। And it will be a terrible time. और ये तो बहुत ही भयानक ऐसा समय होगा। If our sins have not been forgiven, if we have not aligned ourselves with His destiny, it will be a terrible time. अगर हमने अपने पापों की क्षमा नहीं पाई है, अगर हम उसकी मंजिल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो निश्चय ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही भयानक ऐसा समय होगा। There will be no escape. और बचाव के लिए कोई मार्ग नहीं होगा। We have to make sure that we enter the destiny of God for our life, and then we will come to the good hope that God has for us. हमें निश्चित करना है कि हमारे जीवन के लिए हम परमेश्वर की उस मंजिल में प्रवेश करें और उसके बाद में परमेश्वर की ओर से हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छी आशा प्राप्त करेंगे। It's not the will of God anyone of us should go to hell and be punished in hell. ये तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम में से कोई भी नरक में जाए और वहां पर दंड भुगते। In 2 Peter chapter 3 and verse 9. दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 9 में हम इस तरह से देख सकते हैं। It says the Lord is not slow concerning his promise as some count slowness but is patient towards you not wishing that anyone should perish but that all should come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नाश हो वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस तरह से यहाँ पर यह हमें बताता है। So now you understand that there is a good book written for your life in heaven. अब आप इस बात को समझ गए हैं कि स्वर्ग में आपके लिए एक अच्छी किताब लिखी हुई है। But if you are doing the mistakes, that is not the will of God, that was your own choices. लेकिन अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये तो आपका खुद का अपना चुनाव है। Even if you have been doing so far all the wrong things, there is still time for you to come back to that original destiny of God. अगर आप अब तक बिल्कुल गलत काम करते आए हैं, फिर भी अभी आपके लिए समय है कि आप परमेश्वर की जो असली योजना है, उसमें आप वापस लौट कर आ जाएं। When I was the age of 17 years old, young boy. जब मैं नौजवान था, 17 साल की उम्र का था। I yielded my life. मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा और कहा कि प्रभु आज से तू मेरी अगुवाई कर, मैं तेरी मंजिल को अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए उपयोग किया जाना चाहता हूँ। And my book that God wrote for me in heaven with my name, all the good things, I entered into that. मेरे जीवन में, मेरी किताब में परमेश्वर ने जो कुछ भी भली बातें मेरे लिए लिखी थी, जो कुछ भी भली चीजें मेरे लिए लिखी थी, उन सारी बातों में मैंने प्रवेश कर लिया। And from then till now, I've been walking in that book, my destiny God had prepared for my life. और तब से लेकर अब तक मैं अपने जीवन में उस किताब के अनुसार जो भी मंजिल मेरे लिए लिखी गई थी, उसमें चलते आ रहा हूँ। And I know that when I leave this world, I'm not going to go to hell. I'm going to be stand before Him with confidence that I have lived my life according to His will. और जब मैं संसार को छोड़कर जाऊँगा, तो मेरे अंदर में भरोसा होगा कि मैं अपने जीवन में उसके सामने दुखी होकर खड़ा नहीं होऊंगा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करके खड़ा रहूंगा। I'm not going to go to hell. और मैं नरक में नहीं जाऊँगा। Because I've entered my destiny which God prepared for me. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए जो मंजिल रखी है, उस मंजिल में मैंने प्रवेश कर लिया है। Now a question I have for you. अब मेरे पास आपके लिए यही सवाल है। How do you get into your destiny? आप अपनी मंजिल में किस तरह से आ जाएंगे? You have been living your life and doing so many wrong things till now. आप अब तक अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करते जी रहे हैं। Maybe you have been addicted to evil habits. शायद हो सकता है कि आप बुरी आदतों के आदि हो। You have stolen many things. आपने बहुत कुछ चुरा लिया हो। You have done lot of immoral things. आपने बहुत से अनैतिक ऐसे काम किए हो। You have done many wrong things. और आपने बहुत सी गलतियां की हो। But that was not the destiny for you. लेकिन ये आपके लिए मंजिल नहीं है। That was your path you took by your own choice. ये तो आपका मार्ग है जो आपने अपने चुनाव से चुन लिया है। And the end of that path is hell. और उस मार्ग का जो अंत है वो तो केवल नरक है। And hell is a place of torment and eternal separation from God. और नरक तो ऐसी जगह है जहाँ पर यातना होगी, जहाँ पर सताव होगा और परमेश्वर से आप अनंत काल के लिए दूर हो जाएंगे। A person who goes to hell will never come out and will never have hope of heaven. जो व्यक्ति नरक में जाता है वो कभी उसमें से बाहर नहीं आएगा और उसके पास में कभी स्वर्ग की कोई आशा नहीं होगी। See, I'm not giving a soft and sweet message. मैं आपको यहाँ पर बहुत ही कोमल और बहुत ही मधुर ऐसा संदेश नहीं दे रहा हूँ। I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। Because there is a hell ahead of us. If you don't enter the destiny God has for us, there is a hell waiting for us. तो निश्चय परमेश्वर ने अगर हमारे लिए जो मंजिल रखी है उसमें आप प्रवेश नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए नरक ही इंतजार कर रहा है। By God's grace, I made my choice to enter my destiny God had for me. परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे
ये चुनाव मिला कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो मंजिल रखी थी उसमें मैं प्रवेश करूं। And at the age of 17, I joined my destiny. और 17 साल की उम्र में मैं अपनी मंजिल में जुड़ गया। Maybe you're 40 now. शायद अभी आप 40 साल के हो। Maybe 60. या 60 साल के हो। All these years you have gone your own way. और इन सारे सालों में आप बस अपनी मर्जी करते चले आए हैं। But even now. लेकिन अभी इस समय। When you take the right steps, you will come into your remaining destiny will be fulfilled in your life. अगर अभी आप सही कदम उठाएंगे, तो आपके जीवन में आपकी जो बाकी जो समय है, आप उसमें अपनी सही मंजिल में आएंगे, आप उसमें काम करते चले जाएंगे। It's never too late. आपके लिए कभी कोई देरी नहीं होती। Today you can enter your destiny. आज आप अपनी मंजिल में प्रवेश कर सकते हैं। The good path that God had prepared for you. वो भला मार्ग जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखा है। How do we do it? हम इसे कैसे कर सकते हैं? So I'll tell you the steps you can take. मैं आपको ये कदम बताता हूँ जो आप ले सकते हैं। The first step is repentance. सबसे पहला कदम तो पश्चाताप का कदम है। If anyone has to come to God, he has to come first with repentance. अगर कोई परमेश्वर के पास में आता है, तो सबसे पहले उसे पश्चाताप के साथ में आना होगा। What is repentance? और ये पश्चाताप क्या है? It's a complete turnaround of your heart, your mind toward the right direction. Turn away from the wrong. ये तो पूरी तरह से अपने मन को, अपने दिल को सही दिशा में लेकर आना है। गलत बातों से अपने मन को फेर देना है। Your will, your mind, your attitude, everything turns in the opposite direction from what you have been doing. आपकी इच्छा, आपका मन, आपकी मनोदशा, आप जो कुछ भी कर रहे थे, जो गलत कर रहे थे, उससे फेर कर सही दिशा की ओर लेकर आना है। You have to believe that God has made a way for us from heaven for us to reach Him. आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए एक मार्ग बनाया है कि हम उस तक पहुँच सके। It's not or what we have made. ये ऐसा नहीं कि जो हमने खुद बनाया हो। God sent the Lord Jesus Christ to this world. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। To pay the price for our sins. कि हमारे पापों के लिए दाम चुकाए। All the years that we have been going in our own path, what we have done, He has paid for that. इतने साल तक जो कुछ भी हमने किया है, अपने मार्गों में जो हम चले हैं, सारी गलतियाँ जो हमने की है, उसके लिए उसने दाम चुकाया है। He took the punishment for our sins. और उसने हमारे पापों के लिए सारा दंड अपने ऊपर उठा लिया है। Third thing is you have to believe that he died on the cross for you and rose again on the third day. तीसरी बात आपको विश्वास करनी है कि वो क्रूस पर आपके लिए मरा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। By the Spirit of God, God raised him from the dead. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया है। And the fourth thing you have to do. और चौथी बात जो आपको यहाँ करनी है। Confess your sins to him and ask him to forgive you. अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करना है और आपको उससे क्षमा मांगनी है। Fifth thing you have to do. और पांचवी बात जो आपको करनी है। Ask him to come into your life. आप उससे कहे कि वो आपके जीवन में आ जाए। Jesus is knocking at the door of your heart even now. यीशु मसीह अभी इस समय आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। You have been watching and you are feeling convicted. Yes, I'm in the wrong direction. आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपके दिल में आप कायलता महसूस कर रहे हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल गलत दिशा में हूँ। I have been deceived all this time. और अब तक इस समय तक मैंने केवल धोखा खाया। I want to come into my destiny. मैं अपनी मंजिल में आना चाहता हूँ। I want to fulfill God's plan for my life. मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पूरी करना चाहता हूँ। Then pray with me now. तो फिर अभी मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Sincerely. बड़ी ईमानदारी से। Without any falseness, without lying. किसी भी तरह से झूठ न बोलते हुए। With all your heart. अपने पूरे दिल से। God will hear you now. परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। Pray with me. आइए मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह। I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ तू परमेश्वर का पुत्र है। I believe that you came to this world and died on the cross for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि तू इस पृथ्वी पर आया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। My punishment was put upon you. मेरा दंड तेरे ऊपर लाद दिया गया। Thank you for dying for me on the cross. क्रूस पर मेरे लिए मरने के लिए धन्यवाद। And I believe that you rose again on the third day. और मैं विश्वास करता हूँ तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। I turn away from all my sins. I turn to you. मैं अपने सारे पापों से फिर जाता हूँ और मैं तेरी ओर आता हूँ। I ask you to be my Lord and Master. मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मेरा स्वामी और मेरा प्रभु हो जा। I ask you to come into my life. मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे जीवन में आ। I promise to follow you all the days of my life. मैं जीवन भर तेरे पीछे चलने के लिए तुझसे वादा करता हूँ। Thank you for hearing my prayer. मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष। See you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।